दस्तूर के हुकूम की हिफाजत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमला बंद करो, बंद करो, कानून के तौर पे वादों को हिंदुत्व दहशत करने को, हिंदुत्व दहशत करने को, बीजेपी सरकार होश में आए, मोदी सरकार देशभक्ति के नाटक बंद करो, दहशतगर्दी नहीं चलेगी, भगवा दहशतगर्दी नहीं चलेगी, हिंदू मुस्लिम एक भी हाथ, दलित मुस्लिम एक भी हाथ। सालिमियत चाहते हैं, मुल्क की हिफाजत चाहते हैं और मुल्क की तरक्की चाहते हैं, तो हम सबको मिलकर एक जो दस्तूर हमारा बना गया है उसके मुताबिक हर एक को हक मिले, हर एक आदमी आगे बढ़कर इस दस्तूर की हिफाजत के लिए काम करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं इसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। ईसाई में कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, लेकिन ये आरएसएस के गुंडे जब से हिंदुस्तान के अंदर अपना काम शुरू किया और लोगों के ज़हन दिमाग में नफरत फैलाना शुरू किया, ये दलितों को मुसलमानों के खिलाफ और सिखों को मुसलमानों के खिलाफ, आदिवासियों को दलितों के खिलाफ, एक दूसरे कम्युनिटी को लड़ाकर आपस में नफरत फैलाने की सियासत कर रहे हैं। ये नफरत फैलाकर वोट लेकर हुकूमत में बने रहना चाहते हैं और उसका मकसद ये है कि वो जो 97% हुकूमत को कब्जा करके रखा हुआ है उसके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। ये इस मुल्क के नागरिक और इस मुल्क के बाशिंदे सबको, हर कम्युनिटी को उनके तनासुब के हिसाब से रिजर्वेशन और हक मिलना चाहिए, लेकिन आरएसएस और ब्राह्मणवादियत के 3% लोग इस मुल्क के 97% हुकूमत पर कब्जा करके बैठा हुआ है और उनको मालूम है, जिस दिन इन लोगों को मालूम हो गया कि हम जबरदस्ती दूसरों के हुकूमत दबाए बैठे हैं, उस दिन इनकी गंती छिन जाएगी। इसलिए वो अपनी गद्दी को बचाने के लिए और अपनी कुर्सी को इनकी हिफाजत करने के लिए लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, एक दूसरे का खून कर रहे हैं। भीम तंत्र के जरिए जो कत्ल हो रहा है और मॉब लिंचिंग जो हो रही है, ये मॉब लिंचिंग नहीं, ये सियासी कत्ल है, ये सियासी गुंडे कत्ल करवा रहे हैं ताकि उसके चूल्हे पर अपनी कुर्सी की सियासत को सेक सके। ऐसी सियासत हमें मंजूर नहीं है और अगर ऐसी सियासत की गई तो इन सियासी लीडरों को हम रोज में भगा भगा देंगे। मुस्लिम काउंसिल के द्वारा आज जो मॉब लिंचिंग है या मदरसों के हमले है, इसको लेकर आपने जो आज धरना आंदोलन किया है रोशन गेट औरंगाबाद में, तो एक किस तरीके का प्रोग्राम था इसमें और भी क्या से क्या डिमांड से आपकी और सरकार से क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार? मैं ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हनीफ अहरार मेरा नाम है। हम लोग जो आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किए हैं, इस प्रोटेस्ट का मकसद जो आज जगह जगह मदारिस के ऊपर और उलमा के ऊपर और मदरसे के तलबा के ऊपर हमला किया जा रहा है, इसके खिलाफ कानून साजी कर करके इसको फौरन बंद किया जाए, ये हमारा डिमांड है। और पूरे मुल्क के अंदर जो मॉब लिंचिंग चल रही है और जहां पर भी दलित कहीं पर भी दलितों को और मुस्लिमों को पकड़ते हैं उसको मारते हैं, कभी लव जिहाद के नाम पर और कभी गाय के नाम पर और कभी जय श्री राम के नाम पर और अभी मुस्लिम और दलित के नाम पर मार रहे हैं, ये कौन से कानून हैं और ये कौन से गुंडे लोग हैं जो इस मुल्क में दंदना रहे हैं? क्या उनके लिए कोई कानून नहीं है? और इस मुल्क के अंदर जो फस्ताई ताकतें, जो आरएसएस के गुंडे हथियार लेकर के घूम रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं उनके लीडर, उन सबको जेल के अंदर भरने के लिए हमारा डिमांड है। अगर उनको जेल के अंदर नहीं डाला गया और इस तरह के फसादात चलते रहें तो हम पूरे मुल्क के अंदर ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की तरफ से जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। और इस मुल्क के अंदर कानून का राज होना चाहिए, यहाँ फस्ताइयत का राज चल रहा है और यहाँ पर वन मैन शो मोदी 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 बोल करके चल रहा है, ऐसा शासन इस मुल्क का नहीं है।
इस मुल्क के अंदर किसी भी मजहब की हुकूमत नहीं होती है और इस मुल्क के हुकूमत को आज भगवा दहशतगर्दी के साथ और भगवा नजरिए के साथ जोड़ा जा रहा है। ये इस मुल्क का नजरिया नहीं है। हम तमाम देशवासियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज इंतजामिया मफलूज हो चुका है। इस मुल्क की हुकूमत जालिम और गुंडे लोगों के हाथों में पहुंच चुकी है, इसलिए इन लोगों से अगर आपको बचना है, आज हमारी बारी है, कल सबकी बारी आएगी। एक पर हमला सबका, सबके ऊपर हमला है। आज हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला किया जा रहा है, इसलिए उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और हमने 10 जुलाई को जंतर मंतर के ऊपर भी इसके ऊपर आवाज़ उठाया है और आज हम 17 तारीख को औरंगाबाद में आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हुकूमत होश में नहीं आई तो मुल्क के कोने कोने में हम ये आवाज़ उठाएंगे। और ऐसे लोगों को जो लोग कानून को कानून नहीं समझ रहे हैं, हम लोग आवाम को बोलेंगे कि उनको कानून का सबक सिखाएं। ये हमारा मुतालबा है। इसके साथ पूरे मुल्क के अंदर जो इस वक्त NRC की साजिश चल रही है और मुसलमानों और दलितों को देश से निकालने की कोशिश चल रही है, हमारा मुतालबा है कि उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और रोका जाए। इसी तरीके से हमारे मुल्क के अंदर पर्सनल लॉ, जो मुसलमानों का एक आइनी राइट्स है, कानूनी हक है, वो कानूनी हक के अंदर मुदाखलत करके हुकूमत दोबारा तिबारा तलाक बिल पेश कर रही है जो उनके दस्तरस से बाहर है। ये उनका काम नहीं है। उनका काम ये है कि गरीबी को दूर करें, कारोबार दें और लोगों के अंदर अमन फैलाएं। वो अपना काम से लोगों के जहन को दूसरे तरफ फेरने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं कि ये हथकंडे बंद करो और तुम्हारी जो ड्यूटी है और जिसके लिए लोगों ने चुनकर तुमको वहाँ कुर्सी पर बैठाया है वो काम करो, तब तुम मुल्क के वफादार और मुल्क के सच्चे नागरिक बनोगे, नहीं तो तुम मुल्क के गद्दार हो, अपनी कुर्सी छोड़ दो। जी इमाम जी, आपने प्रोग्राम रखा है जो रोशन गेट पे धरना आंदोलन किया है, एक्चुअली धरना करने की वजह और इसमें आखिर दर्शक है कि सरकार से आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो उस सिलसिले में जी है। का जो कारण है वो बिल्कुल ओपन है। जब इंसान बेचैन हो जाता है और परेशानी में होता है तो फिर वो निकलता है, सहारा लेता है, हम तलाश में निकलता है। तो ये हम जो आज सड़कों पर हैं, ये अमन की तलाश में निकले हैं। हम जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का हल चाहते हैं, इसी यही एक जज्बा लेकर, यही एक इशू लेकर हम लोग सड़कों पर आए। हुकूमत का जो रवैया है अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और जहाँ जहाँ BJP की सरकारें हैं तो वहाँ मॉब लिंचिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इसके अलावा यानी दूसरी और जो कम्युनिटी के लोग हैं, सिख हैं, वो ईसाई हैं और दलित हैं और इसी तरह यानी जो बैकवर्ड के लोग हैं, इन सबको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ये जब होगा इस मुल्क के अंदर तो फिर अमन शांति पैदा नहीं हो पाएगी। तो हम जुल्म के ख़िलाफ़ में हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर गंगा जमनी जो तहजीब इस मुल्क की थी, उस तहजीब को फिर दोबारा ज़िंदा किया जाए और सारे धर्म के लोग मेल और मोहब्बत से इस मुल्क में रहें ताकि मुल्क का विकास हो, हमारा मुल्क महान हो, हमारा मुल्क तरक्की करे और पूरे विश्व में हमारे मुल्क का नाम हो और इसकी शोहरत हो, हमारी यही ख्वाहिश और आरज़ू है। जैसे कि उमान में सर मदरसे के ऊपर हमला किए गए, काफ़ी बच्चे जख्मी वगैरह हुए हैं, तो इसमें आप सरकार से क्या अपील करते हैं कि वो किस तरीके के कार्रवाई उन पर करें? भाई वो बिल्कुल मालूम है, जिन लोगों ने बदमाशी की है बजरंग दल के लोग हैं, वो जिन्होंने उन्नाव में 4 बच्चों पर अटैक किया और मारा उनको, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। यहाँ बगैर किसी सबूत के 2 मिनट में किसी मासूम को ये कहकर गिरफ्तार कर लिया जाता है और बरसों उसको जेल में सड़ाया जाता है कि ये दहशतगर्द है, कोई सबूत नहीं है। मीडिया भी उसको हाईलाइट करता है, मीडिया के पास भी कोई सबूत नहीं है। और इसी तरह जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं, NIA और तुम्हें किसी के पास कोई सबूत नहीं होता, तो इनको तो फौरन पता चल जाता है किताब वो दहशतगर्द है। लेकिन इस तरह के वाकयात में जो इन्वॉल्व हैं, जो कर रहे हैं, बिल्कुल धड़ल्ले से कर रहे हैं और सबके सामने कर रहे हैं, हथियारों को यानी साथ में लेकर वो हमले कर रहे हैं, तो क्या हुकूमत इतनी कमज़ोर हो गई है? क्या हुकूमत के ज़राए इतने कमज़ोर हैं कि हुकूमत इन गुंडों तक रसाई हासिल करके उनको पकड़ नहीं सकती? हुकूमत को चाहिए कि वो अपने वसाइल को और उसके पास जो सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज को इस्तेमाल करके इन गुंडों को पकड़े और उनको सजा दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बोलिए। अहमद बेग। नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।